गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा फेस्टिव लैंटर्न बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, कुछ कार्डबोर्ड, एक ग्लिटर शीट, न्यूज़पेपर स्टिक्स, कार्डबोर्ड, कुछ कलरफुल पेपर, पेपर टेप, पेंसिल, पेंट ब्रश, पुरानी सीडी, कटर, स्केल, जिगजैग सीजर और सिंपल सीजर, ग्लू, अक्रेलिक पेंट और कोई भी गोटा। और डेकोरेशन के लिए आप कोई भी सामान यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और एक शेप ड्रॉ करके रखी हुई है। देखिए, यहाँ से लेंथ में मैंने 15 सेंटीमीटर लिया है और यहाँ से 8 सेंटीमीटर और ऊपर से 4 सेंटीमीटर। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमें 5 पीसेस चाहिए। इस तरह से इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने इस तरह से कार्डबोर्ड की कटिंग कर ली है। बीच में हमने ये जो पीस ड्रॉ किया हुआ था, ये हमने बीच में से निकाल दिया है। और इस तरह से ही हमें, देखिए, इस तरह के 5 पीसेस ट्रायंगल के चाहिए। नीचे से यहाँ से देखिए, मैंने 4 सेंटीमीटर जितना हमने यहाँ से लिया है, सेम उतना ही हमने यहाँ से लेना है ये पीस। और हाइट हम जितनी मर्जी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें सेम लेना है। तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर रखा है और हाइट में हमने 9 सेंटीमीटर। इस तरह के भी हमें 5 पीसेस चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने ग्लू की हेल्प से कोई भी कलर पेपर इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करना है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा है, ये हम निकाल देते हैं। सभी पीसेस पर हम इस तरह से पेपर से सभी कार्डबोर्ड के पीसेस को कवर कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से सभी पीसेस कवर कर लेते हैं। देखिए, हमने सभी पीसेस पर इस तरह से कलर पेपर चढ़ा दिया है। अब हम इनको पेपर टेप की हेल्प से आपस में जोड़ देते हैं। देखिए, इस तरह से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से पेपर टेप लगा देंगे। इस तरह से हम 5 पीसेस को आपस में पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने 5 पीसेस को इस तरह से आपस में पेस्ट कर दिया है। अब हम लास्ट में भी यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने टेप लगा रखी है और इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखिए, हमने इस तरह से 5 पीसेस को आपस में पेस्ट कर दिया है। अब देखिए, अब हम इस तरह से ये ट्रायंगल वाले पीसेस को भी पेपर टेप की हेल्प से पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से सेम वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे पेपर टेप लगा देंगे। इस तरह से 5 पीसेस को आपस में पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने इन पीसेस को भी आपस में पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इनको देखिए, इस तरह से इस पीस को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। इसके लिए देखिए, इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। इस तरह से पूरा पीस हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए, हमने न्यूज़पेपर की स्टिक्स पेस्ट कर ली है। अब हम यहाँ पे कलर करेंगे।
इसके लिए देखिए मैंने ये ब्लू और ग्रीन कलर दोनों को मिक्स किया हुआ है। ये क्लासिक ब्लू और मेटैलिक ग्रीन दोनों कलर्स को मिक्स करके यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ। इस तरह से हमने पूरे में ये कलर कर देना है। देखिए हमने इस तरह से कलर कर लिया है। ये हमने डबल कोटिंग की है। अभी हमारा कलर गीला है, इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमारा कलर सूख गया है। अब हम इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। उसके लिए देखिए ये मैंने एक ग्लिटर शीट ली है और जिगजैग सीजर की हेल्प से यहाँ से एक स्ट्रिप काटूंगी। इस तरह से, और इसको हम इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगाई और इसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हमने सारी साइडों पर ग्लिटर शीट लगा दी है। अब हम देखिए एक एक स्ट्रिप यहाँ पे, देखिए यहाँ से हम इसके नीचे से निकाल लेंगे इस तरह से, और इस तरह से एक स्ट्रिप इधर और एक स्ट्रिप इसके इधर, इस तरह से पूरी ऊपर तक हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे सिल्वर पेपर की स्ट्रिप्स लगा दी है और यहाँ पे भी हमने कहीं कहीं पे लगा दिया है। नीचे देखिए हमने ये सीडीज के गोल टुकड़े काटे हुए थे वो लगाए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे लगाने हैं। ये यहाँ पे अभी लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने कुछ पुराने सीडीज के टुकड़े काट कर रखे हुए हैं। यहाँ पे इनको हम इस तरह से ग्लू की हेल्प से लगा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम पूरे में पांचों साइडों पे सीडीज के टुकड़े लगा देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हमने सारी साइडों पर ये सीडीज के टुकड़े लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए लगाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने ये गोटा लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास कोई डोरी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है वो आप ले सकते हैं। इस तरह से देखिए नीचे हमने नॉट लगाई है। इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं किसी भी चीज की हेल्प से निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से ये निकल गया है। और यहाँ पे हम अंदर की तरफ थोड़ी सी पेपर टेप से इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से अंदर की तरफ हम यहाँ पे पेपर टेप लगा देते हैं। इस तरह से, और देखिए ऊपर हमारा ये हैंग करने के लिए हो गया है। इसको आप देखिए कहीं पे भी हैंग करके रख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस दिवाली आप ही अपने हाथ की बनाई हुई चीजों से डेकोरेशन कीजिए अपने घर की। थैंक यू।